गार्डन टूर अगर करते हैं श्रीनगर में और अपनी गाड़ी पे, तो ना परेशान हो जाओगे। सर वैसे वीडियो शूट कर रहा हूँ, सबकी हो रही बीच में, कोई नहीं, चलान लगेगा सबको। पानी बीच में जा रहे हो, कहाँ कहाँ कर रहे हो यार ऐसे गलत। कहते हैं जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनके लिए जो पानी आता था वो कश्मीर के इस गार्डन से आता था। दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है बोटैनिकल गार्डन से। मतलब कश्मीर आए और गार्डन से देखे ना डिफरेंट डिफरेंट, तो मज़ा ही नहीं आता ना। जस्ट डल लेक से एडजॉइनिंग ही ना, थोड़ा सा आगे चलते ही बहुत से गार्डन हैं। तो सबसे पहले हम आए बोटैनिकल गार्डन में, बढ़िया फुहारे लगे हुए हैं, बढ़िया पेड़ है पीछे देखो, इतने बढ़िया लगे हुए हैं। डिफरेंट ऐसे पेड़ देखे नहीं होंगे, ये कश्मीर में ही मिलते हैं स्पेशल, मेरे को नाम नहीं पता। तो बोटैनिकल गार्डन बेसिकली होता यही है कि यहाँ पे डिफरेंट फ्लोरा एंड फौना होता है। तो अभी धूप हो रही है थोड़ी सी, दोपहर को कितने बजे, 12 बजे है, पर ठीक है, गॉगल पहन लो, फ्रेश हो जाता है बंदा। और गर्मी है थोड़ी, पर ठीक है, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। तो अभी देखते हैं, यहाँ थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, फिर आगे नेक्स्ट में चलते हैं, फिर नेक्स्ट में चलते हैं, फिर वो करते हैं, सारे यहाँ गार्डन दिखाने हैं सारे आपको मैंने। चलो आओ, शालीमार गार्डन, इसके बाद देखेंगे हम चश्मेशाही, फिर आगे क्या है देखते हैं। अब हम आ गए शालीमार बाग गार्डन। रश इतना हुआ है ना, टूरिस्ट इतना आया हुआ है और पार्किंग की जगह नहीं है। तो आप गार्डन टूर अगर करते हैं श्रीनगर में और अपनी गाड़ी पे, तो ना परेशान हो जाओगे, मतलब जब सीज़न में एक्चुअली, क्योंकि पहले आपको पार्किंग ढूंढनी पड़ेगी, उसके बाद टिकट्स लेने के लिए 5-10 मिनट लग जाते हैं लाइन में, फिर अंदर घूम के आते हो। तो यही, अगर आपके पास ड्राइवर हो जो आप लोकल श्रीनगर टूर करते हो अगर, तो गार्डन के बाहर आपको ड्राइवर उतारेगा, पार्किंग अपने आप ढूंढेगा और आप घूम के जितनी देर आओगे वो हो जाएगा। कि मैं परेशान हो गया, पहले निषाद गार्डन गए थे, वहाँ पर बहुत रश था, पार्किंग थोड़ी सी दूर थी, तो वहाँ छोड़ के हम आगे शालीमार बाग आगे पहले, और यहाँ पर भी काफ़ी दूर पार्क करके आया हूँ, और धूप भी हो रही है। तो आस्था और जो मेरा बेटा है वो देवर नॉट कम्फर्टेबल कि हम इतनी धूप में जाएँ, बट मेरा तो काम है आपको चीज़ें दिखाना, उनको गाड़ी में छोड़ के आए और मैं जा रहा हूँ शालीमार बाग। यहाँ देखते हैं कैसा है क्या है, फिर हम चलेंगे निषाद गार्डन, इसके बाद है चश्मेशाही। यहाँ पे देखो मार्केट लगी हुई है। ये लग रहा है खूबसूरत, बढ़िया है अंदर आना, अच्छे फ्लावर्स है, क्योंकि विंटर्स में देखने का अलग नज़ारे हैं और समर में अलग है। समर का भी मई जून का टाइम होता है कि खिल के फ्लावर्स होते हैं बढ़िया।
अभी अंदर नहीं जा रहा हूँ मैं और आगे तक, पूरा ना गार्डन लंबाई में बना हुआ है लास्ट तक, और वहाँ से कहीं से पानी का सोर्स है वो देखने आए थे। बड़ा खूबसूरत गार्डन है, अच्छा लग रहा है। फ़ोटो क्लिक कराने के लिए कश्मीर आए हैं तो फ़ोटोज़ क्लिक करानी है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स के साथ अच्छा लग रहा है, बढ़िया है। अच्छे टूरिस्ट आए हुए हैं, रश बहुत ज़्यादा हो रखा है, संडे भी है आज, कि लोकल जो श्रीनगर के हैं वो भी आ जाते हैं और जो टूरिस्ट हैं वो तो आए ही हुए हैं ही हैं। तो चलते हैं, अभी देखते हैं आगे क्या करते हैं। धूप इतनी हो रही है ना, गर्मी इतनी हो रही है कि मैडम की हालत टाइट हो गई है। तो इतना बहुत गर्मी है, एक्सपेक्ट नहीं किया था कश्मीर में इतनी गर्मी। सच्ची ऑलमोस्ट मेरे कहते 30 टू 35 डिग्री टेंपरेचर होगा इस टाइम, और ऊपर चुभ रही है, चुभ रही है सच में। ये बाहर निकलने की सीन ओपन हो रही है, इतनी गर्मी लग रही है कि बस चलो बस देख ले। गार्डन्स में घूमने का मजा सर्दियों में होता है, ये अभी हम लोग गार्डन्स प्लान कर रहे थे, गए थे एक में गए भी हैं, पर मैं तो दो में होकर आया हूं। आप तो दो में होकर आए हो, गर्मी इतनी ज्यादा है कि जाया ही नहीं जा रहा है। तो मेरा बेटा और मैं तो बिल्कुल, हमने कहा भाई आप ही जाओ, हम बैठे हैं अपनी गाड़ी में, तुम्हारे बस की नहीं है, नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो क्योंकि टूरिस्ट आते हैं तो यही चीज़ें करने के लिए होती हैं, और करेंगे क्या, राइट। तो अभी हम निकल रहे हैं वापस, अब निषाद गार्डन आला हो रहा, वहाँ पे हम अभी नहीं जा रहे हैं, वहाँ पे मैं आपको बाहर से दृश्य दिखाता हूँ, उसके बाद है चश्मे शाही एंड परी महल। तो अभी फिलहाल तो हम जा रहे हैं अपनी हाउस बोट में, थोड़ा आराम कर रहे हैं, खाना खाएंगे फिर आराम करेंगे, शाम के टाइम देखेंगे कि शाम को थोड़ी टेम्परेचर ठीक हो जाएगा, उस टाइम मन किया तो घूमने आएंगे, नहीं तो बीइंग साइकिल। चलो दिखाता हूँ निषाद गार्ड, तो अच्छे हैं क्योंकि है सब में भाई फुहारे फूल पत्ती डिफरेंट, पर है खूबसूरत, अच्छे गार्डन बने हुए हैं, बहुत बढ़िया। चलो आप आओ तो जरूर आना, है ना। चलो मैडम को खाना मिल गया, अब एनर्जी आएगी। बहुत ज़्यादा, इतना अच्छा लग रहा है, मैंने ऐसे ज़ूम करके देखा है। बहुत बढ़िया, दो दिन से ऐसे खाना ढूंढ रही थी कहीं मिल जाए। वाह, अभी हम ये खाते हैं, थोड़ी एनर्जी आए, फिर आगे देखते हैं क्या करना। खाना खा के ना थोड़ी एनर्जी आई, तो मैं निकल आया हूँ चश्मे शाही गार्डन देखने, कि अब यहाँ पे आए हैं तो देखना तो ज़रूरी है, देखने जाए दिखाना ज़रूरी है, नहीं तो यहाँ पे रोड पे ना पूरा आधा घंटा हो गया मेरे को, मैं जाम में लगा हूँ बिकॉज ऑफ सच पीपल, जो ये हैवी ड्राइवर्स हैं, कि आने वाली रोड है राइट से जाम लगा हुआ है तो राइट से आगे ले जाते हैं, पता नहीं क्यों ये क्या चाहते हैं, बहुत बैड थिंग है, पहाड़ों पर ऐसा नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर हमारी हो रही है पुलिस चेक पोस्ट, जिसके लिए थोड़ा सा जाम लगा हुआ है, और उस जाम को तोड़ने के लिए कि फर्स्ट आना है मैंने, ये लोग राइट से निकाल के ले आते हैं, जो जाम को और वृद्धि करते हैं, कि बस हम ही हमें, पीछे वाला बंदा पागल है जो लाइन में लगा हुआ है, अब लड़ा जाए इनसे, करा जाए क्या करा जाए, बहुत गलत चीज़ है, नहीं करनी चाहिए ये चीज़, कोई इमरजेंसी हो सकती है, कुछ हो सकती है, तो बहुत लंबे लंबे जाम लग जाते हैं। तो मेरे वाइफ और बच्चा वो आर नॉट फीलिंग वेल, तो वो कहीं और चले गए कि हाउस बोट थोड़ी देर आराम करते हैं, शाम को कुछ और प्लान है, ठीक है हम यहाँ पे देखते हैं फिर आगे बताते हैं आपको। ये अभी चेकिंग हो रही है यहाँ पे, इनको फाइन करना चाहिए, ये स्क्वाड है, ये लोग हैं। गाड़ी यहाँ पे लगा दी है, तो सामने ही है चश्मे शाही, सुंदर लग रहा है, बहुत ऊपर घाटी पे आके है, और चेक पूछ थी ना वहाँ पे बहुत, उस वजह से बहुत जाम लग रहा था, चेक भी कुछ उतना खास नहीं किया, बस पूछ लिया क्या है क्या है, चलो जाओ कोई नहीं, ठीक है। ये आ गया सुंदर, बहुत बढ़िया। ये ऊपर यहाँ पे रेस्टोरेंट बना हुआ, हम अभी यहाँ नहीं जा रहे हैं,
खाना खा के आए हैं। चश्मे शाही के बाद चश्मे मिल रहे जी। वाओ बहुत तो बढ़िया। मीठा पानी बढ़िया है, बहुत बढ़िया। 500 रुपये फाइन लगेगा आपका, वीडियो शूट होगी आपकी, लिखा हुआ 500 रुपये फाइन है। चप्पल पहनगी वो भी आप। ये है जी चश्मे शाही का प्योर पानी, चश्मे शाही गार्डन का, जो बहुत मशहूर है कि कहते हैं जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनके लिए जो पानी आता था वो कश्मीर के इस गार्डन से आता था। अब पीने को तो ये स्रोत है इस पानी का, पर आप पीछे आप देख रहे हैं कितना बड़ा पर्वत है, तो उस पर्वतों से निकलता हुआ पानी आता, पर पंडित जी के लिए पानी जो आता था वो चश्मे शाही गार्डन से आता था। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या चीज़ नहीं, कहाँ से आती थी, कहाँ से आती थी, मैं कुछ नहीं बोल रहा। ठीक है, अच्छा ब्यूटीफुल गार्डन है। शाम का टाइम हो रहा, 4 बजे हैं, टाइमिंग यहाँ पे 5 बजे तक की है। 5 बजे सारे गार्डन जो मुगल गार्डन से वो बंद हो जाते हैं। इसी ऊपर एक और पॉइंट है, अगर आप जाना चाहें थोड़ी सी आगे जाके 1.5 से 2 किलोमीटर परी महल, वहाँ पर अभी मेरा नहीं जाने का हो रहा क्योंकि मेरी परी तो घर पर है। परी भी, परी का बेटा भी। तो अभी हम चलते हैं, इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, जाके होटल में थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, शाम की शाम को देखेंगे एंड कल सुबह कहीं और निकलेंगे। वही कहते हैं ना, ज़िंदगी तो चलने का नाम है, चलते रहना चाहिए। बीइंग सेगल, थैंक यू। फिर आते हैं वो लोग जिन्होंने हाउस बोट में मैगी खाई होती है। बाय गॉड, वाकई ना मजा ही आ गया। भाई साहब, क्या था वो?